एवरीवन, वेलकम बैक टू एचएम केमिस्ट्री चैनल। आज हम थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं मास्टर केडर 2017 पेपर के सॉल्यूशन की। दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस नहीं देखी काइंडली सी दैट एंड इट विल बी मोर बेनिफिशियल अगर आप इनको नोट करेंगे, इसके साथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को देखने के बाद दिस इज द एनालिसिस की पेपर बहुत ज्यादा रिपीटेड जाता है, ये सभी को पता है आपको। सो वी हैव टू वर्क मोर ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर क्लियरिंग द पेपर। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन है, द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज बीन असाइंड अ पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट। तो सभी को पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, जो वो रखा गया है स्टैंडर्ड। सो नाउ द 10th क्वेश्चन, ये मिस हो गया था हमसे। देयर इज सम अमाइनो एसिड्स एंड दे आर सेइंग कि इसको मैच करिए, ठीक है। तो इसको हम 1 by 1 स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, ठीक है। फर्स्टली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लूटामिक एसिड, तो व्हाट आर द स्ट्रक्चर। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है OH, CO, यहां NH2 एंड अगेन COOH। कहने का मतलब अगर मैं सिंपल लिखूं COOH 1 2 3 1 2 3 और फिर दोबारा COOH और यहां NH2, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है ग्लूटामिक एसिड का। सो काइंडली मैच, इज देयर एनी फॉर्मूला गिवन। तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ग्लूटामिक एसिड तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो इसको करते हैं नेक्स्ट को सीरीन। ओके, सीरीन, सीरीन का स्ट्रक्चर बनाइए। सो इट इज OH, NH2 और यहाँ पे COOH, दिस इज सीरीन। तो चेक कि ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पे गिवन है, जहां NH2 है एक साइड पे OH है, अगेन दिस इज नॉट गिवन। A और B तो किसी भी जगह पे नहीं आएगा, तो जहां A और B दिया गया है उसको क्रॉस कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये भी नहीं आएगा देखो, और ये भी नहीं होगा C, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D होना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी एक बार मैं आपको दूसरे स्ट्रक्चर भी मैच करके दिखाती हूँ, देखिए। सो लेट अस ड्रॉ द थर्ड स्ट्रक्चर, एस्पैराजीन का क्या स्ट्रक्चर है, लेट अस ड्रॉ। हमारे पास दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पैराजीन, जहां CONH2 टर्मिनल पोजीशन पे हो, एक साइड पे NH2, यहां कार्बन, यहां COH और H। तो चेक करिए क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है, CONH2, यस। देखिए यहाँ पे चेक करिए, ये वाला CONH2 दिया गया है। सो आई एम गोइंग टू चेंज द इंक कलर, देन यू विल एबल टू सी CONH2 दिया है, उसके साथ वाला एक कार्बन, दूसरे कार्बन पे NH2 COH और यहाँ H ये लगा हुआ। तो इसका मतलब जो सी है, दिस इज मैचिंग विद अवर फर्स्ट स्ट्रक्चर, सी इज मैचिंग विद अवर फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सी मैचिंग विद फर्स्ट स्ट्रक्चर, तो ये तो गलती हो गए दोनों, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है। तो डी ही होगा। तो इसके आगे हिस्टिडीन देखिए, हिस्टिडीन का फॉर्मूला क्या है, हिस्टिडीन का ये फॉर्मूला है, थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो हिस्टिडीन का है, डी इज मैचिंग विद थर्ड, और ट्रिप्टोफन जो है दिस इज मैचिंग विद ई, ठीक है। तो ट्रिप्टोफन एक एरोमेटिक हमारे पास अमाइनो एसिड है, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर आपको पहला स्ट्रक्चर आता होता तो ये तीनों ही कैंसिल हो जाते, बाकी अगर आपको ना भी आता हो, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ अ गैसेस विल अप्रोच आइडियली एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हायर प्रेशर, हायर टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर, हायर प्रेशर। देखिए हमारे पास वेंडरवॉल इक्वेशन होती है, ये मैंने इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आपको करवाए थे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे वहां से प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास वेंडरवॉल इक्वेशन है, जो हम बोलते हैं रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है। और PV=nRT, दिस इज आइडियल गैस, वी ऑल नो दैट। अब हमारे पास अगर ये वाली इक्वेशन है और हमें ये भी पता है कि जो A है वो इंटरन्यूक्लियर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है,
इंटरन्यूक्लियर फोर्स, और जो बी है दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज को वॉल्यूम. ओके, सो नाउ वी आर हैविंग टू कंडीशन. पहला, अगर मैं हायर टेम्परेचर पे लिखूं, सो काइंडली नो डाउन एट हायर टेम्परेचर व्हाट विल हैपन. मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे. मॉलिक्यूल मूव अपार्ट. गैस की बात हो रही है, टेम्परेचर हाई है, तो सारे पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे. अगर पार्टिकल दूर जाना शुरू कर देंगे, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी आपस में नहीं है, तो हमें ये पता है कि जो ए वाली टर्म है वो जीरो हो गई. अगर ए वाली टर्म जीरो है, तो ए एम स्केयर अपॉन बी स्केयर भी जीरो है. तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, पी वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी. ये कंडीशन ठीक हो गई. अब हमारे पास अगर पार्टिकल सारे दूर दूर हैं, तो हमें ये भी पता है कि उस टाइम पे इनका जो को वॉल्यूम है वो भी जीरो हो जाएगा, जिसको हम बी से लिखते हैं. मतलब अगर बी जीरो है तो ये वाली टर्म भी सारी जीरो. तो व्हाट वी आर गेटिंग, पी वी इक्वल टू एन आर टी. तो हमें हायर टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, तो लो वाले तो आप सारे कट कर दीजिए, दोनों ही ऑप्शन कट हो जाएंगे. और अगर हमारे पास प्रेशर भी कम हो जाए, अब आप ये इमेजिन करिए, अगर प्रेशर कम है तो पार्टिकल कहाँ जाएंगे, पार्टिकल मूव अपार्ट, मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे. अगर दूर भागेंगे तो हम बोलेंगे कि ना तो उसमें फोर्स है ना ही को वॉल्यूम है. दोनों ही अगर जीरो हो जाते हैं तो ये आएगा. तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज द राइट आंसर. इसके ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, तो प्लीज इस चीज को प्रिपेयर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 740 mm प्रेशर इज. हमें वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, हमें टेम्परेचर दे रखा है. कभी भी आपने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने हैं तो याद रखिएगा, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है उसको केल्विन में चेंज करें. अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा, और वो भी ऑप्शन में होता है. तो इसको हमेशा 273 से एड अप करके फिर आपने इसको यूज करना है. तो इसको यूज करिए, कितना आ गया, 323 केल्विन. ओके, सो नाउ वी आर हैविंग प्रेशर ऑफ, जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिखते हैं. अगर स्टेटमेंट समझ नहीं भी आई, पहले जो गिवन चीजें हैं उसको लिख लीजिए. 740 mm ऑफ Hg, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. तो मैं इसको चेंज कर लेती हूं, ये आ गया एटमोस्फियर में. ठीक है, सॉरी, ये 760 होता है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे वो हमारा इतनी एटीएम में आ जाए. अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट हमारा कितना दिया गया है न्यूमेरिकल में, 5 ग्राम, तो हम 5 लिख लेते हैं. मॉलिक्यूलर वेट एसिटिलीन का अगर हम देखें तो वो 26 होता है, जिसको सॉल्व करने पे मेरे पास इतनी वैल्यू आ गई. अब मैंने निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मुझे ये पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है. और अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वो पीआरटी अपॉन एनआरटी अपॉन पी आ जाएगा. तो वैल्यू पुट करने पे व्हाट वी आर गेटिंग, प्रेशर हमारे पास कितना है, 0.974, और अपॉन सॉल्विंग वी आर गेटिंग 5.43 लीटर. ये मेरे पास आंसर आ रहा है, तो विच इज ऑप्शन नंबर बी. हमारे पास न्यूमेरिकल में ग्राम, 5 ग्राम वेट इसका गिवन था, तो मॉलिक्यूलर वेट लेके हम इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल निकल गया, टेम्परेचर भी है प्रेशर भी है, तो आराम से वॉल्यूम यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज 5.23. Now the next question is, which of the following factors will favor the reverse reaction in chemical equilibrium? देखिए, अगर मैं एक equation ले लूं, मान लो A plus B, which is giving us C plus D.
वी नो दैट ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है केमिकल इक्विलिब्रियम को। अब हम इसको लिखते हैं रिएक्टेंट और ये क्या है इधर वाला प्रोडक्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिवर्स रिएक्शन की। देखिए अगर मैं कोई मेरे पास वेसल है, वेसल में मैंने रिएक्टेंट डाल दिए ए प्लस बी, मैं जितने ज्यादा इसमें रिएक्टेंट्स डालती जाऊंगी, आप सोचिए जितनी ज्यादा अमाउंट मैंने इसकी ली मेरे पास उतने ही तो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, यील्ड भी उतनी ही आएगी, हाई आएगी। अगर मैं इसको हाई अमाउंट में ले रही हूँ तो यील्ड बड़ी अच्छी बनेगी। तो इसका मतलब अगर तो मैं रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती हूँ तो रिएक्शन मेरी कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये लीच एट लियर प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है और हर बार पेपर में आता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से ये हॉट एरिया है जिसमें से पेपर आता ही आता है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बट अगर मैं ऐसा करूं कि मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी शुरू कर दूं, रिएक्टेंट डालू ही ना, अब मेरे पास असेंबली थी जितने मैंने लिए खत्म हो गया, अब मैं सी और डी डालती जाऊं तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। लिख लीजिए में मूव करेगी। तो दिस क्वेश्चन इज डिपेंडेंट अपॉन लीच-एटलियर प्रिंसिपल। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नाउ 32 क्वेश्चन हमारा है कि थ्योरी ऑफ एक्टिव मासेस इंडिकेट्स दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नन ऑफ दीस। देखिए अगर हम कोई भी रेट लॉ की बात करते हैं तो हमें पता है, मैं एक रेट लिख के दिखाती हूं। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन में क्या ले रही हूं, देखिए मैंने ले लिया एन ए प्लस एन बी, इट इज गिविंग अस एक्स सी प्लस वाई डी, इसको मैं एम लिख लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसका रेट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू K कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू देयर पावर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू देयर पावर। ये हमारे पास हो गया रेट। तो हम लिखते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन इज, लिख लीजिए इसको, डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एक्टिव मासेस हमें क्या बताती है, रेट लिख लीजिए या फिर एक्टिव मास की थ्योरी लिख लीजिए, वो यही बताती थी कि हम कंसंट्रेशन लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और उसकी रेज टू पावर उनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास थ्योरी ऑफ एक्टिव मासेस को, रेट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट नहीं लिखे, सिर्फ मैंने कंसंट्रेशन को ही लेके क्वेश्चन बनाया है। Let us move to the next question. देखिए, which of the following molecules show pure rotational spectrum? हमारे में चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ये पूछ रहा है कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम कौन करेगा। देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि मॉलिक्यूल हमारा परमानेंट डाइपोल के साथ अटैच हो। मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होना जरूरी है। डाइपोल का मतलब उनका कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए या डाइपोल मूवमेंट जो है, अगर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स का ऊपर वाले के साथ कट ना हो, ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रल में हो जाता है, तो ये तो करेगा नहीं क्योंकि ये हमारे पास सेम एटम्स हैं। यहाँ पे वाटर है,
अगर मैं इसको बनाती हूँ तो जितना ये इधर जा रहा है उतना ही इधर जा रहा है और उसके ऊपर हमारा लोन पेयर है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करें तो वो CO आ जाएगा, NH4Cl ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में दिया गया है, ये लिक्विड स्टेट में दिया गया है स्पेशली, तो ये चीज नहीं है। तो हमारे पास CO जो है दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हमेशा हमारे पास लिख लो इसको पोलर मॉलिक्यूल जिसके ऊपर डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें डिफर करता है, डिफरेंस होना जरूरी है, और हमारे पास गैशियस मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये तीन चार कंडीशंस का होना जरूरी है जिसकी वजह से ही हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है CO इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज फ्रॉम बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसका वो मीनिंग पूछ रहा है, और यूवी में से सिर्फ यही क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट यूवी में हमेशा याद रखिए, मैं साथ ही साथ एक्सप्लेन कर दूं, बाद में नहीं याद रहेगा, कि फैक्टर्स जितने भी है यूवी में वो अच्छे से पढ़ लें, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज अ शिफ्ट ऑफ वेवलेंथ टू द लॉन्गर साइड, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। बैथोक्रोमिक मीन्स अगर हमारे पास वैल्यू लॉन्गर वेवलेंथ पे जाती है तो दिस इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, एंजाइम्स आर इन कोलाइडल स्टेट, एंजाइम्स आर कैटालिस्ट, एंजाइम्स आर कैटालाइजिंग एनी रिएक्शन, यूरिएज इज एन एंजाइम। देखिए एंजाइम कोलाइडल स्टेट में होते हैं, कैटालिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं, यूरिएज भी एक एंजाइम है, बट जो ऑप्शन नंबर सी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हर एक एंजाइम अपनी स्पेसिफिक रिएक्शन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ऑप्शन इनटू द करेक्ट साइड, तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट जाएगा, ठीक है। तो नाउ 36 क्वेश्चन करते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, प्लांटिंग मोर ट्रीज, डिक्रीजिंग यूज ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और इंक्रीजिंग यूज ऑफ साइकिलिंग, प्रिजर्विंग रेन वाटर इन वेल्स, पॉन्ड, लेक्स, ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस। नाउ एयर इज पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पेस्टिसाइड, ऑल ऑफ थ्री अबव। एयर को कौन पल्यूट करता है, सारे ही फैक्टर हैं जो इसको पल्यूट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ 38 क्वेश्चन आया है, न्यूक्लियस इज स्टेबल अप टू एन बाई पी रेशियो ऑफ, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे को जो पर्सनली पूछते हैं टेलीग्राम पे या मैसेज करके कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री करें या ना करें, एक ही नंबर का पेपर आया हुआ है, बहुत कम हमारे पेपर्स में, हर पेपर में नहीं आया हुआ, सो इट इज योर विश, यू वांट टू कंटिन्यू दिस पेपर, दिस चैप्टर और नॉट। तो न्यूक्लियस इज स्टेबल अप टू एन बाय पी ऑफ 1.6 तक ये स्टेबल रहता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस हमारा बिगर होता जाता है, रिपल्शंस बढ़ती जाती हैं, ठीक है, तो हमारे पास 1:6 तक हमारे पास जो स्टेबल अमाउंट न्यूक्लियस में रहती है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज यू आर आस्क्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक टू आयंस फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग एसिटाइल एसीटोन एज अ रिएजेंट, ठीक है, एसिटाइल एसीटोन एक रिएजेंट दिया गया है और आपको बोला गया है कि आपने एक्सट्रैक्शन करनी है जिंक की, अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच सॉल्वेंट यू सजेस्ट। इसमें से हमारा आंसर जो रहेगा वो क्लोरोफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सट्रैक्शन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन जब भी आप जिंक आयन की करते हैं, ठीक है, यूजली दिस इज बाय, ये एक स्पेशली हम लिखते हैं इसको एलिक्वेट Cl, और उसको हम क्लोरोफॉर्म में ही यूज करते हैं। वी आर यूजिंग दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। और अगेन मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूंगी, जो मेटल एक्सट्रैक्शन का पेपर है, आप जितना मर्जी इसको पढ़ लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू
कंफ्यूज आस्क, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट में हमारे बुक्स में यूजली देखने को नहीं मिलते। तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से मेटल की ओर्स, उनकी एक्सट्रैक्शन के मेथड्स वो पढ़ सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आता तो डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है। तो एक नंबर का पार्ट यहाँ पे हर बार पेपर में पूछा जाता है। नाउ वी आर हैविंग द अनदर क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, Which among of the following is a transporter of oxygen from air to human body? Air से human body के अंदर oxygen को कौन लेके जाता है? तो it is hemoglobin, blood है जो वो transport करता है, ठीक है। Now the next question is CFC of complex, जिसका Z दिया गया है, atomic number दिया गया है, और हमें पूछ रहा है कि CFC कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर किसी ने ये काम नहीं किया तो कोऑर्डिनेशन में ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। सो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो लिगेंड दिया गया है वो क्या है, और मैंने इसकी वीडियोज डाली हुई है, काइंडली सी दैट। जो लिगेंड है यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है वो क्या करता है, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको नीचे ही पेयर करता है, ठीक है, क्या करता है, नीचे पेयर करता है। तो हमारे पास 26 है इसका नंबर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। यस, तो ऐसे के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है, देन वी आर गोइंग टू राइट कि हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका 26 दिया गया है। तो जो हमारे पास आयनाइजेशन स्फीयर में लिखा होता है हम उसको उड़ा देते हैं, लिखते नहीं है। तो COCN6, तो हम इसके ऊपर क्या लिख लेते हैं, 3 पॉजिटिव। तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें, x माइनस 3, तो हमारे पास x प्लस का 3 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। x क्या आ गया, प्लस का 3। तो अगर हमारे पास x प्लस का 3 है तो इसका मतलब जो हमारे पास Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, आर्गन 3d5। अब हमारे पास डी ऑर्बिटल जो इनिशियली आते हैं वो डीजनरेट होते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ 2 सेट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पेयर नीचे, 2 का पेयर ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैं फिर रिपीट करती हूँ कि आपने लिगेंड देखना है। लिगेंड देखने के बाद आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। वो कब पता चलेगी, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करते हैं, हमारे पास पेयरिंग कर लेते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि डीजनरेट में 5 इलेक्ट्रॉन आए, D5 सिस्टम था, वो इक्वल एनर्जी पे पड़े हैं। और उसके बाद जब हमारे पास ये कम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसको T2G और इसको EG लिखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से कोऑर्डिनेशन में दो ही चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स को नीचे ही पेयर अप कर लेता है, ऊपर नहीं जाने देता। तो हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। और अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ 5 यहाँ नहीं आते, 2 ऊपर जाते, 3 नीचे रह जाते, वो वीक फील्ड का काम होता। तो हम बोलते कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते। तो हमारे पास अगर मैं पार्टीशन की बात करूं, ये हमारे पास होती है -0.4 और ये होती है हमारे पास प्लस के 6, हमारे पास वैल्यू आती है इसकी DQ की, ठीक है। तो हम इसको करते हैं क्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 0.04 × 5, तो मेरे पास आंसर आ गया 20 DQ, ठीक है। तो यहाँ माइनस का साइन नहीं है, तो डोंट वरी, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं उसको मैच करिए तो 20 आंसर आता है। तो 41 का 20 इज द राइट आंसर। नाउ इन द ट्रायंगुलर क्लस्टर Fe3 CO12 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ ईच सेंट्रल मेटल इज, हमें पहले इसका स्ट्रक्चर समझना है कि क्या है। हम ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर की बात की है क्योंकि इसको ना 2-3 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है, 4 CO हमारे पास इसके टर्मिनल पोजीशन में, 3-3 CO ऐसे लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, और 2 CO हमारे पास कहाँ जाते हैं, ब्रिजिंग में, ठीक है। ये हमारे पास फुल फ्लेश स्ट्रक्चर है इसका।
जब भी हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको पता हो कि एटॉमिक नंबर क्या है सेंट्रल मेटल एटम का, ऑफ सेंट्रल एटम माइनस हम करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, उसके बाद हम प्लस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन फ्रॉम लिगेंड, कि लिगेंड से वो कितना ले रहा है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन करते हैं। पहले आपको Fe का एटॉमिक नंबर पता हो, वैसे तो ये देते हैं पर आपको आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये चीजें पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो याद करिए एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का है 26, वो लिख लिया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, वो होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि जो CO है वो हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, जिसकी वजह से Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाता है। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने ले रहा है, देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करिए, हाउ टू कैलकुलेट, हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 हमारे पास एक Fe के पास हमने चेक करना है, कोई भी Fe ले लीजिए, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर रहा है, Fe से कितना ले रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 4 तो हमारे पास यहाँ पे है Fe, ठीक है, और 2 हमारे पास ब्रिजिंग में है। तो हम इसको लिख लेते हैं 8+2 और हमारे पास 36 आंसर आ जाता है टोटल, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका 36। तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट है गैडोलियम का कलर पूछ रहा है, अगर वो 3 पॉजिटिव स्टेट में है। ये एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट्स को जब मैंने एफ ब्लॉक करवाया था मैंने एक ही चीज बोली थी कि एफ ब्लॉक में से हमेशा कॉन्फिगरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ऐसे गैडोलियम का पता ही नहीं होता कि क्या नंबर है। तो गैडोलियम का 61 है, मैंने बड़ी अच्छी ट्रिक बताई है, वहां जाके देखिए, सीखिए उसको। 61 के हिसाब से ज़ीनोन 4F7, 5D1, 6S2। अगर ये 3 पॉजिटिव में चेंज होता है तो काइंडली सी दैट कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलने हैं वो आउटर मोस्ट शेल से निकलना शुरू होते हैं, ये निकल जाएंगे तो वी आर हैविंग ज़ीनोन 4F7। हाफ फिल्ड हो गया या फिर फुली फिल्ड हो गया या जिसके पास है ही नहीं, मतलब F0, F7 और F14 वाले कभी भी FF ट्रांजिशन नहीं करते। तो अगर FF ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो कलर भी इसके पास नहीं होगा, तो मतलब जो मॉलिक्यूल है या जो कंपाउंड है वो कलरलेस है। तो गैडोलियम 3 पॉजिटिव हमारा कलरलेस है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एयर इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CoF2 इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड आयन इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म स्टेबल CoF4 नेगेटिव, CoF52 नेगेटिव, CoF85 नेगेटिव, नन ऑफ दीज। इसका आंसर नन ऑफ दीज है, क्यों, क्योंकि जो CoF2 है एज सच ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल, एंड जितने भी ज्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 3 ऑप्शन, तो सभी से ये स्टेबल है, इट इज स्टेबल देन अदर कॉम्प्लेक्सेस इन एयर ऑल्सो, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेस्ट कैटेनेशन इज डन बाय विच ऑफ एटम, तो बेस्ट कैटेनेशन कौन एटम करता है, कार्बन, ये सभी को पता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में से सबसे ज्यादा कैटेनेशन जो करता है वो कार्बन है। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सो काइंडली डू दिस इन द सीरियस मैनर, पेपर में पूछते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने फॉर्मूला के रूप में लिखना है, तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CaS4 5 वाटर मॉलिक्यूल, CaS4 2 वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल या अकेला CaS4। यस, आई गॉट कंफ्यूज्ड कि हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन में नहीं है, सो मैंने तभी दोबारा पॉज करके इसको कंफर्म किया। इसका आंसर हमारा ये होना चाहिए, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं, और जिप्सम का क्या फॉर्मूला है ये पेपर में पूछ सकते हैं, तो इट इज CaS4 2 वाटर मॉलिक्यूल।
और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो हाफ रह जाता है, तो इसका ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन था, तो मुझे नहीं पता कि इसका ग्रेस मिला था या नहीं मिला था। नाउ वी आर हैविंग द अनदर क्वेश्चन, ओजोन इन द अपर मोस्ट लेयर अब्सॉर्ब हार्मफुल आईआर रेस, गामा रेस, माइक्रोवेव रेस, यूवी रेस। तो यूवी रेस को ये अब्सॉर्ब करता है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज एक्यूरेट। मॉसबीर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसको यूज करते हैं, हम 57FE को यूज करते हैं। इसका एक स्पेशल रीजन है, इसको क्यों यूज किया जाता है। सी मॉसबीर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम 3000 फैक्टर देखते हैं। किसी भी चीज को जब हमने काम में लेना होता है, हम देखते हैं कि ये अबंडेंट हो, इजीली मिल जाए, ठीक है, तो अबंडेंट तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम लिखेंगे कि लो इसका अमिशन है, और यहाँ पे हमारे पास इजीली इससे आप फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो 5-6 है हमारे पास एटम्स हैं मॉसबीयर के, तो मैंने थोड़े दिन पहले ही मॉसबीयर पढ़ाई है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया क्लास में कि बहुत सारे एटम जो बेसिक एटम है उनको याद करिए। तो 57Fe इज द मेटल जो मॉसबीयर में यूज होता है। अच्छी बुक्स पढ़िए, आपको आ जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास है कि ESR सिग्नल कौन देता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अच्छी तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी करिए, जिनका बाकी प्रिपरेशन तैयार है वो पढ़िए सारे। ESR के लिए पहली बात आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ये शर्त है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल में है वो चाहिए चाहिए, तभी वो ESR एक्टिव होगा। ESR को EPR एक्टिव भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो काइंडली चेक द कॉन्फिग्रेशन। अगर मैं जिंक 2 की बात करूं तो जिंक 2 की कॉन्फिग्रेशन हमारे पास क्या है, इट इज 3D10 4S2। तो S को निकाल दीजिए तो बेसिकली 3D10 रह गई। कॉपर 2 पॉजिटिव जो है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्फिग्रेशन है वो है 3D9। Mg2 पॉजिटिव की हमारे पास जो कॉन्फिग्रेशन रहेगी तो इट इज 12 होता है ये, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वाले 2 उड़ जाएंगे। Hg2 पॉजिटिव, वो भी हमारे पास क्या है, जीनोन 4f14, 5d10, 6s2 हम यहां से निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सारे कंप्लीटली फिल्ड। तो किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कॉपर 2 में, तो हमारे पास कॉपर 2 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट आज का। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO कोऑर्डिनेट्स टू अ मेटल एंड फॉर्म अ अडक्ट MCl2 DMSO2। इट्स आयर स्पेक्ट्रम शोज अ शिफ्ट इन μSO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी टू लो एनर्जी रीजन। इट सपोर्ट्स दैट MO कोऑर्डिनेशन इज देयर, MS कोऑर्डिनेशन इज देयर, बोथ इज देयर एंड ऑल ऑफ अबव A टू C। देखिए, जब हमारे पास अडक्ट फॉर्मेशन की बात है तो मेटल के साथ साथ हमारे पास कम्प्लेक्स बन रहा है लिगेंड का। एक चीज याद रखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए सभी स्टूडेंट्स को डॉक्टर अजय कुमार की बुक है कोऑर्डिनेशन की, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, काफी चीजें बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, उसको पढ़िए, बहुत सारे फैक्टर्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर है वहां पे आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, कि मेटल जब लिगेंड के साथ बाउंड करती है तो क्या बनेगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी बढ़ेगी, तो उसको पढ़िए, ठीक है। तो ये बुक ऐप में भी अवेलेबल है, तो HM केमिस्ट्री ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा MO कोऑर्डिनेशन आएगा। देखिए, जो हमारे पास DMSO है वो इस स्ट्रक्चर का होता है, यहाँ पे ये S से भी बाउंड कर सकता है, ये O से भी बाउंड कर सकता है। अगर ये S से बाउंड करता है किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, तो हमारे पास SO पीक आती है जो, ठीक है, वो हमारे पास रहेगी 1050 पे। हमेशा सल्फर SO पीक जो आती है वो हमारे पास इस तरीके की आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बड़े सारे कंसेप्ट हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, क्योंकि एक स्लाइड में मैं आपको नहीं बता सकती, तो बुक को पढ़िए, वहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो MO कोऑर्डिनेशन इसका राइट आंसर है, ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बता के जाइए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। बाय बाय एवरीवन।